आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल से बना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी नाश्ता, जो झटपट बनके तैयार हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी है कि आप रोज़ इसको बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम धुली मूंग दाल लेंगे और इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। ये दाल जल्दी गल जाती है तो 2 घंटे के लिए हम इसको भिगो कर रख देंगे। और भिगोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मैंने इसका पानी जो है निकाल दिया था और इसको 2-3 बार अच्छे साफ़ पानी से धो लिया है। अब हमें इस दाल को पीसना है तो इसको मैं एक जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और साथ में हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 या 2 इसमें डालेंगे हरी मिर्च, 1/4 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें पानी डालकर इसको पीस लेंगे। ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, अगर बाद में ज़रूरत लगेगी तो 1-2 चम्मच हम डाल देंगे। तो ये मैंने इसको एकदम बारीक पीस लिया है और कोई एक्स्ट्रा पानी भी इसमें नहीं डाला है। ये देखिए इतना स्मूथ हमें इसको पीसना है। अब हम इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे और इसके बाद 1 मिनट के लिए इसको लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। इससे दाल हमारी हल्की हो जाएगी और जब हम इसको बनाएंगे तो ये काफ़ी फ्लफी बनेगा। तो लगभग 1 मिनट मुझे हो चुका है और अब चलिए इसके बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटे साइज़ का प्याज, थोड़ा सा डालेंगे टमाटर, साथ में हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज़ का शिमला मिर्च, इसको भी बारीक कट करके डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी साथ में पीसा है। 1 चुटकी इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे, अगर नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम इनो पाउडर और इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे पानी और इन सारी चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से मिला लेंगे। ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं फेंटेंगे, बस एक बार इनो सारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए उतना हम इसको फेंट लेंगे। अब यहाँ पर हम एक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालकर सारे पैन पर फैला देंगे। अब जो बैटर हमने बनाया है उसको हम पैन में डाल देंगे। चम्मच से हम इसको थोड़ा सा ऊपर से एक सा कर लेंगे और अब इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। और 5 से 7 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये देखिए ये अच्छे से सिक चुका है और ऊपर से भी आप देख सकते हैं ये थोड़ा ड्राई हो गया है। तो चलिए इसको पलट लेते हैं और 1/2 छोटा चम्मच तेल और हम इस पैन में डालेंगे और इसके बाद इसको पलट देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा ये नीचे से सिक चुका था। चलिए अब हम इसको वापस से 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके और सेकेंगे और 3 मिनट बाद एक बार और इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। इसको हमें अच्छे से सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए हम इसमें बीच में से कट लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये नाश्ता थोड़ा सा मोटा है तो ऊपर से तो दिख रहा है सिक गया है लेकिन अंदर से भी थोड़ा सा सेकना और रह गया है, इसके लिए हम यहाँ पर कट लगा रहे हैं। तो 1/4 चम्मच हम इसके ऊपर घी डाल देंगे और पलट कर सेक लेंगे। 2-3 बार इस तरीके से पलट कर सेकने से अंदर तक बहुत अच्छे से सेक जाता है। और ये देखिए ये हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। चलिए इसको सर्व करते हैं। दाल अगर आपकी गली हुई है तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ आप तक पहुँच पाए। बस इसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा डाल दिया चुकंदर और 1/2 छोटा चम्मच घी और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एक पीस मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। आप इसको सॉस या चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।